बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में स्थित पूसा की धरती से भारतीय कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान का सफर शुरू हुआ। लॉर्ड कर्जन की अनुशंसा पर भारत प्रेमी श्री हेनरी फिप्स से मिले आर्थिक सहयोग से वर्ष 1905 में पूसा में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। तत्पश्चात 1934 में आए विनाशकारी भूकंप के कारण इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान के दिल्ली स्थानांतरण के साथ ही 1970 में तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा यहीं पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और अंततः 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिणत कर दिया गया। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय न केवल बिहार अपितु राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति अर्जित करने में सफल रहा है। विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2020 के एशिया पैसिफिक ई अवार्ड के खिताब के लिए विश्व के सर्वोच्च 5 विश्वविद्यालयों में चयनित किया गया है। परिसर में सोलर पैनलों द्वारा 450 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ढाब इलाकों में सिंचाई की सुविधा के लिए बोट आधारित सोलर पंप एवं सोलर ट्री तकनीक का विकास किया गया। परिसर से निकले कूड़े कचरे तथा आसपास के धार्मिक स्थलों में चढ़ाए गए फूलों एवं बेल पत्रों से जैविक खाद का निर्माण कर किसानों को सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है। मधु, हर्बल गुलाल, मशरूम इत्यादि के विभिन्न उत्पादों के अतिरिक्त लीची की गुठलियों से मछलियों का भोजन बनाया जाता है। परिसर में स्टार्टअप फैसिलिटेशन, मशरूम रिसर्च सेंटर, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, रीसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर तकनीक, क्लाइमेट चेंज, जल प्रबंधन एवं फूड प्रोसेसिंग पर उन्नत शोध केंद्रों की स्थापना की गई है। जल जमाव एवं भूजल पुनर्भरण के लिए जल प्रबंधन की तकनीक का विकास किया गया है। छात्रों की पढ़ाई के उचित वातावरण के लिए सुविधा युक्त हॉस्टल, उत्कृष्ट लाइब्रेरी के साथ साथ परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। किसानों की जानकारी के लिए विभिन्न प्रकाशनों तथा अधीनस्थ कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अतीत में पूसा से शुरू हुई कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की यात्रा के रोचक पलों को फिप्स लेबोरेटरी के अवशेषों के पास ही उन्हें सार संभाल के साथ संजोकर सुरक्षित रखने के लिए एक छोटे से संग्रहालय का निर्माण किया गया है। आज इस विश्वविद्यालय की पावन स्वर्ण जयंती के सुअवसर पर माननीय सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है।